अस्सलाम वालेकुम। आज एक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, आपने बड़े गौर से सुनना है और मेरी बात को समझना है। इंशाल्लाह अगर आप बात को समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा ये दीजिए। अच्छा ये है मेरे पास एक लकड़ी और ये मेटल का एक स्पून है, ठीक है। इसको मैंने लकड़ी पर बजाया, ठीक है, आपने आवाज़ सुनी इस तरह। अच्छा ये मेटल की कोई चीज़ है, ये देखें। अब आपने नोट करी, देखें इसी स्पून को अगर मैंने लकड़ी के साथ बजाया है तो आवाज़ क्या आई है, कम आई है, और अगर इसी को मैंने एक मेटल की चीज़ के साथ इस तरह बजाया तो आवाज़ क्या है, ज़्यादा आई है। इससे क्या हमें समझ मिल रही है, क्या हमें सबक मिल रहा है, यही बात मैं आज आपसे समझाना चाहता हूँ। देखो अगर स्पून मेटल का है और लकड़ी आपस में टकराते हैं तो आवाज़ कम आती है, मतलब दर्द कम होता है। और जब सेम जात के एक जैसे लोग अपने आपस में टकराते हैं तो आवाज क्या है, ज्यादा आती है, मतलब दर्द ज्यादा होता है। यही वजह है, यही फिनोमेना है इस वक्त का कि जब कोई अपना किसी को तकलीफ देता है तो दर्द ज्यादा होता है, अंदर से इंसान क्या मर जाता है, तकलीफ जख्म दिल जो है ना छलनी हो जाते हैं। जब कोई पराया किसी को तकलीफ देता है तो उसकी इतनी ज्यादा दर्द नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि अपनों का हमेशा साथ दिया करें, अपनों के साथ अच्छा रहा करें। और ये हमारे इस्लाम ने भी हमें यही सिखाया, हमारे आका नबी अकरम सल्लम ने भी ये सिखाया कि हमेशा अपने रिलेटिव्स को, अपने घर वालों को, अपने करीबी दोस्तों को ज्यादा अहमियत दिया करो, उनको तकलीफ ना दिया करो। एक मुसलमान का तो काम ही नहीं कि वो किसी मुसलमान को तकलीफ दे। तो पहली बात तो ये कि मुसलमान मुसलमान भी एक जैसे हैं, और फिर उससे बढ़कर रिलेटिव जो हैं आपके करीब भी हैं उनको तकलीफ हरगिज़ देनी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। वस्सलाम।